सोनिया गांधी बहुरानी के तौर पर जब पहली बार हिंदुस्तान आई थी तो उन्हें लेकर उस समय मीडिया में खूब खबरें छपी थी। गौरवर्ण और कांजीवरम साड़ी पहने हुए ये भारतीय रीति रिवाजों में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। हमेशा से वेस्टर्न आउटफिट में रही सोनिया के लिए भारी भरकम इंडियन साड़ी में फिट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन उन्होंने जिस अपनेपन के साथ राजीव गांधी को अपनाया था तो उनकी संगनी बन उन्होंने भारत और यहाँ के रीति रिवाजों और रहन सहन को भी अपना लिया। हालांकि गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि ये सलाहियत और शहूर हासिल करने में उन्हें शुरू शुरू में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन बहुत जल्द एंटोनिया एडविजे एल्बिना मेनो से सोनिया गांधी के स्वरूप में वो ढल गई। विवाह से पहले तक इटली के एक साधारण परिवार में पली बढ़ी एंटोनिया एडविजे एल्बिना मेनो, शादी के बाद जब सोनिया गांधी हुई तो उन्होंने खुद को भारत के एक ऐसे राजनीतिक घराने में पाया जो वर्षों तक देश की सत्ता की धुरी में थी। सास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो पति राजीव और देवर संजय गांधी उनके दो मजबूत बाजू थे। हालांकि राजीव गांधी ने उस वक्त तक खुद को सक्रिय राजनीति से दूर ही बनाए रखा था। एक तरफ इनकी ससुराल थी जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखती थी, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी का वो मायका था जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा। तो आज हम आपको सोनिया गांधी के उसी परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं। सोनिया गांधी का जन्म इटली के वेनेतो शहर में हुआ था। इनका परिवार लुसियाना में रहता था। रोमन कैथोलिक परिवार से आने वाली सोनिया के पिता स्टेफनो माइनो एक सैनिक थे और फासिस्ट नेता मुसोलिनी के समर्थक भी थे। उन्हें जर्मनी की ओर से युद्ध करते हुए रूस में बंदी भी बना लिया गया था, जबकि उनकी मां पाओला माइनो एक गृहिणी थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस में युद्ध बंदी रहे इनके पिता स्टेफनो माइनो को जब रिहा किया गया तो वे इटली लौट आए। इसके बाद उन्होंने 1960 के दशक में कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हाथ आजमाया जिसमें उन्हें सफलता मिली। काम ऐसा चला कि इनकी गिनती सफल कारोबारियों में होने लगी। सोनिया गांधी के परिवार में इनकी दो बहनें भी हैं। बड़ी बहन का नाम अनुष्का है जिन्होंने ओरबा सानो में ही रहने वाले वॉल्टर विंची से शादी की थी और अपनी मां के साथ ही रहती थी। उनकी छोटी बहन का नाम नादिया है जिनकी शादी स्पेन के एक राजनयिक से हुई थी। इनकी बहनों को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स यही बयां करती हैं कि इनकी बहनें कभी भी गांधी परिवार को लेकर सार्वजनिक तौर से कोई बात नहीं करती। भारत के एक बड़े राजनीतिक घराने में सोनिया के विवाह से उनका परिवार भी बेहद खुश था, लेकिन 1991 के उस वाकये ने सबको दहला दिया। 21 मई 1991 की गर्मियों की उस शाम को तमिलनाडु के श्री पेरुमदूर में वो आत्मघाती धमाका हुआ था जिसमें राजीव गांधी नहीं रहे। इस वाकये से गांधी परिवार समेत इटली में सोनिया गांधी का परिवार तहल उठा था। उनकी मां पाओला माइनो ने सोनिया गांधी को फोन कर दोनों बच्चों के साथ इटली वापस आने को कहा, लेकिन उन्होंने जीवटता की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने पति के वतन को नहीं छोड़ा और वापस इटली जाने से इनकार कर दिया। हाल ही में इनकी मां ने अंतिम सांस ली है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।